हेलो स्टूडेंट आई एम पीनल ग्रासिया फ्रॉम आश्रम विद्यालया हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने यूनिट फोर पोएम फोर रेन ये हमने कंप्लीट किया था आज हम हमारी टेक्स इंग्लिश टेक्स बुक में पेज नंबर पेज नंबर फिफ्टी एट, पेज नंबर फिफ्टी एट, हमें यहाँ पे पजल यहाँ पे पजल दी गई है तो हम पजल सॉल्व करेंगे आपको क्या करना है फेल इन द लेटर्स टू कंप्लीट द क्रॉस वर्ड पजल यूज द पिक्चर्स एज क्लूज आपको क्लू क्या दिया गया है क्लू है आपका पिक्चर्स तो ये है आपका क्लू और ये आपको पजल्स दी गई है तो हम सॉल्व करेंगे एस ये क्या है स्नो एस एन ओ डब्ल्यू स्नो और ये क्या है विंड डब्ल्यू आई एन डी विंड नाउ लुक एट दिस साइड वॉट इज दिस क्लाउड सी एल ओ यू डी क्लाउड हम कैपिटल लेटर्स लिखेंगे ठीक है क्लाउड ठीक है हमने सभी कैपिटल लेटर्स कर दिए हैं नाव लुक एट दिस पिक्चर वॉट इज दिस लाइट दिस इज लाइट तो यहाँ पे हमें एल दिया गया है आई जी एच टी लाइट नाव ओके नाउ लुक एट दिस पजल डी फर्स्ट लेटर डी एंड लास्ट लेटर टी और ये है पिक्चर इट इज अ डस्ट डी यू एस टी डस्ट दिस वन कंप्लीट क्लाउड विंड दिस वन आल्सो कंप्लीट नाउ लुक एट दिस यहाँ पे है सन और सन होता है तो क्या होता है हॉट एक मिनट स्टूडेंट यहाँ पे हम स्किप करेंगे क्योंकि हॉट में एस और टी दिया गया है अगर हम ओ लिखे तो भी हमारे लिए एक यहाँ पे पज़ल में एक स्क्वायर बाकी रहता है तो हम ये स्किप करेंगे और यहाँ पे है सन तो यहाँ पे हमें दिया गया है एस डैश यहाँ पे एन तो यहाँ पे हम लिखेंगे एस यू एन सन नाउ दिस इज स्टार एस टी और आर लिया गया है हमें यहाँ पे लिखना है एस टी ए आर स्टार नाव लुकेट दिस वन दिस इज मून तो यहाँ पे एम और एन हमें फर्स्ट लेटर एम और लास्ट लेटर एन तो क्या रह गया ओ ओ मून ठीक है नाव लुक दिस What would you call these pictures in your language? Now label the pictures in English. पहले हम इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं वो लिख लेते हैं ठीक है तो ये है moon, M O O एन Moon, सन एस यू एन सन कैपिटल लेटर्स लिखेंगे उड यह है क्लाउड सी एल ओ यू डी क्लाउड एंड दिस वन एस टी एर तो हम इसे गुजराती में क्या कहते हैं चांदो चांदा मामा ठीक है नाव सूरज दादा सूरज या सूर्य और क्लाउड को हम गुजराती में क्या कहते हैं वादड़ स्टार स्टार को हम गुजराती में क्या कहते हैं तारा ठीक है डन नाव पेज नंबर फिफ्टी नाइन रिडल टाइम यहाँ पे हमें हमें मजा आएगा हु एम आई हमें पहचानना है ये कौन है आई गो अप एंड डाउन अ लॉट मैं ऊपर नीचे होता रहता हूं वेदर इट इज कोल्ड और हॉट जब ठंड और गर्मी होती है तो अप एंड डाउन होता रहता हूँ समटाइम्स आई एम ऑन द ग्राउंड कभी कभी मैं ग्राउंड में भी होता हूँ अदर टाइम्स आई एम इन द क्लाउड्स और बाकी के टाइम में कहा पे होता हूँ क्लाउड्स में होता हूँ बादलों में होता हूँ माई नेम राइम्स विथ डॉटर उसका जो नाम है वो डॉटर के साथ राइम होता है आई एम योर फ्रेंड नेम मैं आपका दोस्त हूँ मेरा नाम क्या है वॉट यहाँ पे हम लिखेंगे डब्ल्यू टी डब्ल्यू ए टी R वॉट यहाँ पे हमें आंसर भी दिया गया है नाव लुक एट दिस फिश टैंक राइट थ्री सेंटेंसेस ऑन वॉट सी ड्रो सम मोर क्रिएचर्स इन दिस टैंक आपको बाकी के क्रिएचर्स आपको यहाँ पे ड्रो करने हैं और सेंटेंसेस जो मैंने लिखा है वो आपको यहाँ पे लिखना है हमने क्या लिखा है आई सी मैनी फिश स्विमिंग इन द वॉटर आई सी लॉट्स ऑफ ग्रीन plants in the water ye है green plants I can also see stones at the bottom of the fish tank ठीक है तो ये आपको आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में ही लिखना है ओके और फिर पेज नंबर सिक्सटी लेट्स रेन ऑन द ग्रीन ग्रास Rain on the tree and rain on the house top but not upon me Rain on the green grass rain on the tree and rain on the house top. बट नॉट अपन नी इस तरह से आपको ये सिंग करनी है और यहाँ पे एक आपको एक्टिविटी दी गई है यहाँ पे क्या करना है पता है आपको जहाँ पे इन लिखा है वहां पे प्रे... मतलब इन वर्ड है इसके साथ जो वर्ड राइमिंग होता है तो वहां पे आप रेड कलर करोगे और डाउन है तो डाउन के साथ कौन सा वर्ड राइमिंग होता है तो वहां पे येलो कलर नॉट है तो नॉट के साथ कौन कौन से वर्ड राइमिंग होते हैं वो है आपको वहां पे ब्लू कलर करना है जैसे कि इन है तो इन में पी आई एन पिन टी आई एन टिन एफ आई एन पिन एस पी आई एन पिन तो यहाँ पे आप वन फोर वन टू थ्री फोर यहाँ पे आपको कौन सा कलर करना है रेड नाउ डाउन तो डाउन के साथ क्राउन ड्राउन गाउन ब्राउन फ्रॉन क्लाउन तो यहाँ पे आप येलो कलर करोगे और नॉट नॉट के साथ कौन कौन से वर्ड राइम होते हैं कॉट पॉट डॉट स्पॉट एंड हॉट तो यहाँ पे आप ब्लू कलर करोगे ये है आपका होमवर्क ठीक है नाउ पेज नंबर

E A C. The dash flows from the mountain. ये mountain है और ये क्या flow करता है Yes, river. The river flows from the mountain. The duck is swimming in the ये है duck और ये कहाँ पे swim कर रहा है

आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में लिखना है थैंक्स फॉर वॉचिंग